नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का बयान। 8 सितंबर के बंद को लेकर के व्यापारियों की ली बैठक। SYL को लेकर के बंद होगा ऐतिहासिक। वही SYL के लिए इनेलो लड़ रही है हक के लिए लड़ाई। प्रदेश और देश की सरकार SYL मामले में कर रही है हरियाणा की अनदेखी। 4 साल से इनेलो के विधानसभा से बाहर और अंदर लड़ाई लड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और वाड्रा पर दर्ज मुकदमे को लेकर के बोले अरोड़ा। कहा, देरी से किए हुड्डा और वाड्रा पर मुकदमे दर्ज। बीजेपी की कांग्रेस के साथ मिलीभगत। कल प्रस्तावित रोडवेज चक्का जाम पर पूर्व परिवहन मंत्री ने बोला हमला। अरोड़ा ने कहा, एस्मा लगाना निंदनीय है। बोले, सरकार ने लोक कल्याण की बजाय परिवहन को कमाई का जरिया समझा। परिवहन विभाग के घाटे का घर दिखा करके निजीकरण की तैयारी कर रही है सरकार। सांसद सैनी पर बोला हमला, खुद पार्टी छोड़ी नहीं दूसरों को शामिल करवा रहे हैं। बीजेपी प्रायोजित है राजकुमार सैनी की मौजूदा राजनीति। आप देख रहे हैं शीर्ष पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो SYL पे आया है, केंद्र की सरकार नहर पे बनाए उसको लेकर दादूपुर मलवी नहर को पुनः निर्माण शुरू किया जाए, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाई जाए, बढ़ते अपराध पे रोक लगाई जाए, डीजल और पेट्रोल के जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, इन चीजों को लेकर GST नोटबंदी की वजह से आज बाजार में जो व्यापारी परेशान है, हमने 8 सितंबर का बंद का निर्णय लिया। उसी सिलसिले में आज सिरसा के व्यापारी भाइयों की मीटिंग ली गई और उनसे प्रार्थना की गई कि इस बंद में आप हमारा सहयोग दें, क्योंकि आज प्रदेश की सरकार लगातार हरियाणा प्रदेश के हितों की अनदेखी। सरकार को दर्ज कराना चाहिए था कि किस प्रकार एक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को किस प्रकार लूटा गया, हरियाणा प्रदेश के खजाने में किस प्रकार डाका डाला गया। तो इन्होंने तो पर्चा दर्ज कराया नहीं, हमारी चार्जशीट पे कोई कार्रवाई नहीं की। अब जिससे आदमी से पर्चा दर्ज हुआ है, अब उससे आगे जांच की बात करते हैं। मैं कहता हूँ ये तो सरकार को खुद पार्टी बन के इसमें पर्चा दर्ज कराना चाहिए। हमने सरकार को पैसे कमाने वाली मशीन नहीं समझा था। सरकार जो होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। अल वेलफेयर की स्कीमों पे कई बार घाटे भी उठाने पड़ते हैं। आज रोडवेज के घाटे का बहाना लेकर किस प्रकार से निजीकरण करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से व्यापारीकरण करने जा रहे हैं रोडवेज का, हमारे कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। और मुझे खुशी है कि जब 5 साल मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, 5 साल में रोडवेज का बेड़ा बहुत बड़ा था। रोडवेज के अंदर नई बसें आई थी और कभी एक दिन के लिए कर्मचारियों को स्ट्राइक नहीं करनी पड़ रही थी। अब लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं और कर्मचारी चाहे वो हेल्थ के चाहे रोडवेज के, अगर अपनी बात के लिए कोई स्ट्राइक करते हैं तो ये सरकार उन पे एस्मा लगाकर दमनकारी नीति अपनाती है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनकी बात सुन के केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग लोग नाराज हैं और वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने वाला है उसमें बिखराव हो, इसके लिए उसको आगे किया है। सारा स्पॉन्सर्ड बाई बीजेपी।